हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हॉलीवुड की 10 जॉम्बीज मूवी, जिसे आप फ्री यूट्यूब पर देख सकते हो। और इन फिल्मों की कहानी भी काफी रोमांच से भरपूर है, और आपको जॉम्बीज मूवी का अलग ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो आपको अंत तक जोड़े रखेगी। तो आइए जानते हैं आज की इस लिस्ट की मूवी, जिसे आप शायद मिस तो कर गए लेकिन इस बार मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए, ताकि कोई मूवी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। साल 2015 की हॉरर थ्रिलर मूवी मैगी लिस्ट की टॉप पर आता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 5.6 रेटिंग दिया था। बात कर फिल्म की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी बेस्ट है जोम्बीज के ऊपर। कहानी है एक आदमी की जो अपने बेटी मैगी को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि मैगी जोम्बीज अटैक में इन्फेक्टेड हो गई थी और वो धीरे धीरे जोम्बीज में कन्वर्ट हो रही थी। इस फिल्म में आपको फादर और डॉटर की बहुत अच्छी इमोशनल एंगल भी देखने को मिलेगा। साल 2018 की एक्शन साईफाई मूवी डूम्सडे लिस्ट की 2 नंबर पर आता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6 रेटिंग दिया था। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी शुरू होती है एक तरह के वायरस से जो स्कॉटलैंड में फैल चुका है, और इसका इलाज किसी के पास नहीं होता है। इसलिए जो भी वायरस का शिकार नहीं होते, उनके चारों तरफ दीवार बना दिया जाता है, जिससे वायरस से शिकार हुए लोग दीवार के उस तरफ नहीं आ सकते। तो आपको मूवी में देखना होगा कि ये लोग ज़ॉम्बीज इन्फेक्टेड होते हैं या नहीं। साल 2015 की हॉरर कॉमेडी मूवी स्काउट्स गाइड टू द ज़ॉम्बी एपोकलिप्स लिस्ट के 3 नंबर पर आता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6.3 की रेटिंग दिया था। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी है 3 दोस्तों की जो खुद को ज़ॉम्बीज के बीच में पाते हैं और कैसे अपने आप को ज़ॉम्बीज के साथ सर्वाइव करते हैं। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। साल 2013 की हॉरर थ्रिलर मूवी द रिटर्न लिस्ट के 4 नंबर पर आता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 5.9 की रेटिंग दिया था। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी एक कपल की, जिसके शरीर में वायरस फैल जाने की वजह से ज़ॉम्बीज बन गए हैं, और धीरे धीरे शहर में सारे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन इन लोगों को प्रोटीन दिया जाता है जिससे नॉर्मल हो सके। तो आपको मूवी में देखना होगा कि ज़ॉम्बीज नॉर्मल होते हैं या नहीं। 2010 की एक्शन हॉरर मूवी रेसिडेंट ईविल लिस्ट के 5 नंबर पर आता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 5.8 की रेटिंग दिया था। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी है एलाइस की, जो कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाकर सेफ जगह पे ले जाती है, लेकिन वो सेफ जगह लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ एक जाल होता है और अंदर ज़ॉम्बीज वायरस इन्फेक्ट किया जाता है। साल 2007 की हॉरर साईफाई मूवी आई एम लीजेंड लिस्ट के 6 नंबर पर आता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 7.2 की रेटिंग दिया था। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां वायरस फैल जाने की वजह से सारे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए हैं, और उसी में एक आदमी अपने डॉग के साथ ज़ॉम्बीज के बीच कैसे सर्वाइव करता है, ये देखने को मिलता है। साल 2017 की हॉरर कॉमेडी मूवी अटैक ऑफ द साउथर्न फ्राइड ज़ॉम्बीज लिस्ट के 7 नंबर पर आता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 4.3 रेटिंग दिया था। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी एक लड़का की, जो प्लेन्स खेतों में सिंचाई करते वक्त एक आदमी के ऊपर केमिकल पड़ जाता है, जिसके बाद वो आदमी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आगे फिल्म में क्या होता है, ये देखने के लिए आपको मूवी देखना होगा। साल 2004 की हॉरर कॉमेडी मूवी सन ऑफ द डेड लिस्ट के 8 नंबर पर आता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 7.9 की रेटिंग दिया था। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी है सन की, जिसका अपनी फैमिली और गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसी बीच अचानक पूरे शहर में वायरस फैल जाने की वजह से सारे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। तभी सन अपने दोस्तों के साथ ज़ॉम्बीज की मुकाबला करके अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी फैमिली को बचाने के लिए निकल पड़ता है। साल 2016 की हॉरर थ्रिलर मूवी ट्रेन टू बुसान लिस्ट की 9 नंबर पर आता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 7.6 की बहुत बढ़िया रेटिंग दिया था। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी एक आदमी की, जो अपनी बेटी के साथ ट्रेन में बुसान जा रहा था, अचानक उनके ऊपर ज़ॉम्बीज का हमला होता है। उसके बाद आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखना होगा। इस फिल्म में दिखाया गया फादर और डॉटर की इमोशनल रिलेशन दिल को छू लेता है। साल 2013 की हॉरर एक्शन मूवी वर्ल्ड वॉर जेड लिस्ट की 10 नंबर पर आता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 7 रेटिंग दिया था। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी है ब्रैड पिट की, जो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे होते हैं, अचानक उनके ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ब्रैड पिट अपनी फैमिली को और पूरे शहर को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए इलाज ढूंढते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे इंसान टाइम आने पर अपनी इंसानियत भूल जाता है। Nessuno la obbliga. Ma non finga di non essere adatto.